मैं संजीव एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों मैं आज नैनीताल और नैनीताल की माल रोड पर हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ टूटिक से, टूटिक से एक इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो इसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये चिनार के पेड़ों की चीज़ का माल रोड है, कभी कुछ बदल चुका है। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 40 साल पहले यहाँ पे हाथ के रिक्शे चला करते थे, जिसमें तीन चार लोग, दो लोग आगे से खींचते थे और दो लोग पीछे से धक्का दिया करते थे। उसके बाद आया पैडल रिक्शा, जिससे पाँव से चल हुआ था पैडल रिक्शा, और कुछ समय से यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक रिक्शा देखने को मिल रहा है। तो ये नैनीताल की खूबसूरती में टेक्नोलॉजी का तड़का है। कितना समय हो गया वैसे आपको ये रिक्शा यहाँ पर आया हुआ है? ये वाला टुक टुक एक डेढ़ साल से हाँ, पिछले एक डेढ़ साल से यहाँ पर ये रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा यानी टुक टुक चलना शुरू हो गया। दोस्तों इस शहर की बड़ी खूबसूरती थी ये, यहाँ का हल्का होटल काफ़ी मशहूर होटल है, और ये नैनीताल की झील, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया ऐसा कहा जाता है किसी गीत में। और ये लाइब्रेरी है ब्रिटिश टाइम की लाइब्रेरी है, इसके बगल से निकल रहे हैं। ठीक इसके ऊपर एक किंडर गार्डन नर्सरी स्कूल है, वो भी ब्रिटिश टाइम का है। तो उस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे बोट स्टेशन है और बोट में ये है ब्रिटिश टाइम की लाइब्रेरी, और ये सेल्फी पॉइंट समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें नई तरीके से जोड़ दी गई हैं। तो ये अचानक से एक मन बना के एक ब्लॉग तैयार करें, क्योंकि कई दिन हो गए थे यूट्यूब पे कोई ऐसा ब्लॉग नहीं पड़ा था, लेकिन मैं जानबूझ करके टुक टुक की सवारी आज फिर किया है। तो देखते हैं, और नैनीताल में सीजन यानी कि जो टूरिज़्म है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी है, लेकिन आज का हाल तो थोड़ा ठंडा है, मौसम में ठंडक है, और आते आते जून आते आते बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा यहाँ पर क्राउड। सुबह के करीबन 10 बजे हैं और ये 10 बजे अभी जो टूरिस्ट क्राउड है वो माल रोड पर नहीं दिखता, माल रोड पर आधे दिन के बाद क्राउड देखने को मिलता है, और पूरे दिन भर साइट सीन और ये सब चलता रहता है टूरिस्टों का। और हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर पहुंचने वाले हैं। एक बार क्या हुआ था, किसी ने पूछा भैया नैनीताल, तो नैनीताल जैसे प्रवेश किए तो उन्होंने बोला कि मल्लीताल जाना है, तो मल्लीताल से वालों ने बोला तल्लीताल, और सोचने वाला जो टूरिस्ट था वो परेशान हो गया, उसने कहा मल्लीताल और तल्लीताल लेकिन नैनीताल गए। तो इस तरीके के कई बाकी यहाँ पर होते रहे हैं आज तक के, और हम मल्लीताल के रिक्शा स्टैंड पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, कभी आओ और नए तरीके से नैनीताल का मजा लूँ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।